मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 7,720 नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है, लेकिन पिछली सरकारों में भर्ती निकलते ही एक परिवार का पूरा कुनबा वसूली के लिए निकल पड़ता था। ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 की राजस्व विभाग के द्वारा भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरा किया है। कुछ लोगों की फितरत होती है कि अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाना और गुमराह करना। उन्होंने इस कार्य में भी रोड़े अटकाए, लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। कुछ लोगों की एक फितरत होती है हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना और कहीं ना कहीं नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही प्रदेश में 30,837 लेखपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चल रही है। इसकी वजह से 6 लाख से ज्यादा युवा प्रदेश के उन्नति में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने ही अकेले 1,55,000 युवा भर्ती किए गए, बिना भेदभाव और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए युवा योग्यता अनुरूप भर्ती हो रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, कोई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। एक लाख 54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह
सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो ये नहीं देखने को मिला और बिना किसी भेदभाव के। 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में होल थे। एक परिवार आपस में जिले बांट लेते थे, चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे, लेकिन आज नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता से युवाओं में विश्वास आया है। युवाओं का विश्वास ही हमारी ताकत है। ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये वही प्रदेश है जब यहाँ का युवा बाहर जाता था तो पहले ही छांट दिया जाता था। आज युवा का सम्मान होता है, लोग समझ गए हैं ये नया उत्तर प्रदेश है, नए युवा है। पहले की सरकारों की नीयत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, कोर्ट सस्ते होते थे, सरकार के दलालों और गुर्गों के जेब में पैसा आ जाता था। अब परिस्थितियां बदली हैं। इस मौके पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ ही शासन का अधिकारी मौजूद रहे। सुश्री प्राची सिंह।